हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AhleBait हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। खुशामदीद बच्चों, AhleBait स्कूल और जूनियर कॉलेज की तरफ से आप तमाम का खैर मकदम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जमात सुवम ज़बान अव्वल उर्दू से एक सबक। हाँ तो बच्चों, सबक शुरू करने से पहले, 13वां सबक शुरू करने से पहले हम एक कहानी पढ़ेंगे जो तीसरे यूनिट के तहत है। ये कहानी है नानी अम्मा की शर्त। घर में अक्सर बड़े बूढ़े होते हैं ना, मम्मी पापा के अलावा नानी नाना दादी दादा, इसी नानी अम्मा बच्चों से क्या शर्त लगा रही हैं, क्या शर्त है नानी अम्मा की, यहाँ पर देखेंगे, सुनेंगे ना आप लोग। चलिए नानी अम्मा की शर्त सुनेंगे, बड़ा लुत्फ आएगा इस कहानी को सुनने में आप। चलिए शुरू करें नानी अम्मा की शर्त। अहमद और महरीन गर्मा की छुट्टियाँ गुजारने अपनी नानी अम्मा के यहाँ हैदराबाद गए। एक रात इन दोनों ने नानी अम्मा से कहानी सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। नानी अम्मा ने उनसे कहा, मेरी एक शर्त है। दोनों ने एक आवाज में कहा, नानी अम्मा क्या शर्त है? शर्त यह है कि मैं तुम्हें चंद पहेलियां सुनाऊंगी, अगर तुम दोनों उनका सही जवाब दोगे तो मैं कहानी सुनाऊंगी। अहमद और महरीन इसके लिए राजी हो गए तो नानी अम्मा पहेलियां सुनाने लगे। क्या हुआ, दो भाई बहन अहमद और महरीन अपनी नानी अम्मा के पास छुट्टियां गुजारने के लिए हैदराबाद गए थे। वहाँ पर एक रात उन लोगों ने नानी अम्मा से फरमाइश की कि आप हमें कहानी सुनाएं। नानी अम्मा ने एक शर्त रही, कहा कि एक शर्त है, एक शर्त पे मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। दोनों पूछे कि वो क्या शर्त है। तब नानी अम्मा ने बोला कि मैं चंद पहेलियाँ बोलूँगी, सुनाऊँगी, तुम लोग उससे बूझना, उसका सही जवाब देना। अगर तुम लोग सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। अब नानी अम्मा पहेलियाँ सुना रही, सुनिए आप लोग भी। नानी अम्मा, एक लड़की है सुंदर बाला, एक लड़की है सुंदर बाला, पहने वो मोती की माला, पहने वो मोती की माला, उसके मुंह में कितने दांत, उसके मुंह में कितने दांत, बूझो बच्चों मेरी बात। मालूम है आप लोगों को, मालूम हो गया, समझ गए हैं। महरीन ने छेट से कहा, भुट्टा, मकई का जो भुट्टा होता है ना, ये दूसरी पहली। नानी अम्मा, शाबाश, तुमने ठीक जवाब दिया, अब एक पहली अहमद के लिए है, ये दूसरी पहली है, सुनिए। बांध गले में डोर चली, बांध गले में डोर चली, सीधी पर्वत और चली, सीधी पर्वत और चली, खुशियों से भरपूर है वो, खुशियों से भरपूर है वो, लेकिन कितनी दूर है वो। अहमद ने कहा, हवाई जहाज। नानी अम्मा ने कहा, गलत, महरीन तुम बूझो। अब अहमद जल्दी में गलत जवाब दे दिया इस पहेली का, तो नानी अम्मा ने महरीन से कहा कि तुम जवाब दो। महरीन ने कहा, पतंग। हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब। नानी अम्मा महरीन की पीठ थपथपाते हुए, वाह तुमने बड़ी मुश्किल पहेली को बूझा है, चलो एक और पहेली तुम्हारे लिए देखते हैं, तुम दोनों में से पहले कौन इस पहेली को पूछता है। नानी अम्मा बोले, महरीन शाबाश, पीठ थपथपाए, वाह वाह तुमने इतनी मुश्किल पहेली का भी जवाब दे दिया, अब एक और पहेली मैं तुम दोनों के लिए बोल रही हूँ, देखते हैं कि तुम दोनों में से इसका जवाब कौन देते। बैठे तो वो ऊँट लगे, बैठे तो वो ऊँट लगे, और चले तो हिरण की चाल, और चले तो हिरण की चाल, जानवर ऐसा कौन सा है, जानवर ऐसा कौन सा है, जिसकी दुमना तन पर बाल। अहमद और महरीन ने एक साथ कहा, दोनों अब ये पहली बूझ, ये इन लोगों को मालूम थी, पता थी, उन्होंने झट से दोनों एक ही आवाज़ में बोले, मेंढक। नानी अम्मा, बहुत खूब बेटा, तुम लोग तो बहुत होशियार हो गए हो, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। नानी अम्मा कहानी सुनाने लगी। कैसी थी पहेलियाँ आप लोगों ने, कैसी लगी, अच्छी दिखी ना? ठीक है, यहीं पर ख़त्म करते हैं, शुक्रिया।